सात दिन है ये मंगल घड़िया। बड़े भाव से गुरु को बधाया है, गुरुवर का जन्म दिन आया है, जन जन में खुशियां लाया है। समाज के उस आमंत्रण पर मेरा आना हुआ और वो भी आज एक उल्लास का दिवस, अवतरण दिवस, जब किसी महापुरुष का जन्म होता है तो नारकी के देव भी प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं कि किसी महापुरुष का जन्म हुआ है और लोगों को धर्म का रास्ता बताएंगे, हिंसकों को अहिंसक बनाएंगे, दुराचारियों को सदाचारी बनाएंगे, असंयमियों को संयमी बनाएंगे, जिससे वो भव भ्रम मिटाएंगे। हमने भगवान महावीर को नहीं देखा कि भगवान महावीर के जन्म कल्याणक किस प्रकार से मनाए जाते थे, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि आचार्य भगवान का जो जन्म दिवस मना रहे हैं, हमारे लिए तो आज वो जन्म कल्याणक ही है। जन्म कल्याणक कैसे मनाया जाता है? प्रारंभ गर्भ से होता है। आज हम ऐसे संत को इस कली काल में भी देख रहे हैं। धन्य है वो मां जिसने गर्भ में आते ही बालक को वो संस्कार दिए। संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। संस्कार के लिए जब बालक गर्भ में आता है तो सौधर्म देव की आज्ञा से अष्टकुमार अष्टकुमारियां मां के गर्भ को शोधन के लिए आती हैं। और आज इस कली काल में भी जहां हीन सेनन होते हुए भी और जहां भौतिकता का युग चल रहा है, वहां वह मां ऐसे बालक को संस्कार देती है। वह बालक आज हमारे बीच में भगवान महावीर की मुद्रा लेकर यहां विराजमान है। पंच कल्याणक में जो है कल्याणक कितने होते हैं बताएं, हाथ उठा के बताओ दोनों।
पांच कल्याणक होते हैं। दोनों क्यों उठा रहे हैं भाई? एक हमारा भी कर दो, हमारा भी कल्याण हो, समझे ना। तेरे पांच हुए ऊपर करो, तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार हमारा, एक बार मतलब पांचों कल्याणक बता रहे। रविंद्र जैन बहुत तेज थे वहाँ, क्या सुंदर भजन, हाथ के हाथ लिख देते थे वो, हाथ के हाथ लिखते थे, लिख करके वो बगल में एक आदमी रहता था, कान में सुनाता रहता था, इसके बाद ये लाइन है, याद रहता था उनको, पीछे से सुनाता रहता था, लिखता वो था और लिख करके उनको कान में सुनाता था, फिर आगे बढ़ाते थे, ओ करते रहते थे ना बीच में गाने, गाने के बीच में ओ करते ना, वो हो नहीं था, वो आगे के लाइन सुनने के लिए होता था। हाथ जोड़ो, अंधा बांटे रेवड़ी, हाथ ऐसे करो, अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे, यही बोलते हैं ना। दूसरे लाइन सुनो, करो, तू क्यों अंधा हो रहा, हाथ आगे करो, हाथ पसार के ले, उसके मजे ले रहा है, तू भी मजे ले रहा ना, तू भी हाथ, अंधा है तो तू भी हाथ पसार ना, अपने अपनों को दे, तुम अपना पराया कर रहे हो, उन्हें पता नहीं अंधा बांटे रेवड़े बोल रहे हो ना, अपने अपनों को दे, वो कैसे उन्हें पता है अपना अपना है, जो आया सबको दे रहा है बेचारा, समझ गए ना। हम दूसरे में गलतियां ढूंढते हैं, अपने में नहीं ढूंढते हैं। मैं संजीव जैन, उपाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन सभा मयूर विहार फेज वन से, आज अति हर्ष के साथ ये सूचित कर रहा हूँ कि पूज्य आचार्य पट्टाचार्य 108 शुद्ध सागर जी महाराज का 36वां चतुर्मास मयूर विहार जैन समाज को मिला है। आज गुरुदेव के 55वें अवतरण दिवस पर दिगंबर जैन मयूर विहार फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, दिगंबर जैन पड़परगंज समाज, दिगंबर जैन महिला मंडल मयूर विहार पड़परगंज समाज, जैन जागृति मंडल मयूर विहार फेज थर्ड, श्री ऋषभ देव रिलीजियस एंड चैरिटेबल सोसाइटी पंजीकृत द्वारा पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया गया। तत्पश्चात आचार्य भगवान शुद्ध सागर जी महाराज ने अपना 36वां चतुर्मास दिगंबर जैन समाज मयूर विहार फेज वन को प्रदान किया। हम पूरी कमेटी, श्री विजय जैन जी प्रधान, उपाध्यक्ष संजीव जैन, महामंत्री श्री अरविंद जैन जी, मंत्री श्री प्रवीण जैन जी, कोषाध्यक्ष श्री प्रवीण जैन जी एवं समस्त कार्यकारिणी की तरफ से आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं 2 जुलाई 2023 में, जहां जब पूज्य आचार्य भगवान का चातुर्मास कलश की स्थापना की जाएगी। हम अत्यंत आभारी हैं पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान 108 शुद्ध सागर जी महाराज के एवं उनके संघपति श्री राजेंद्र जैन जी के, जिनके विशेष प्रयासों के कारण ही यह चातुर्मास हमें मिलना संभव हो पाया। हार्दिक अभिनंदन, आभार सभी का, और सभी सादर आमंत्रित हैं 2 जुलाई को चातुर्मास कलश स्थापना में। और हम अत्यंत आभारी हैं नमोकार चैनल के भी, जिसने आज के प्रोग्राम को अच्छे से कवर किया, लाइव दिखाया गया, और आगे भी हमारे प्रोग्रामों को ऐसे ही दिखाते रहेंगे, हम उनके भी अत्यंत आभारी हैं। धन्यवाद।